मैं दीपक सिंह कश्यप और आप देख रहे हैं बात आपकी में स्वागत है। मैं आप देख सकता हूँ ये रोड है भैंसही का, ये जोड़ती है सीधे NH का तरफ। इस रोड पे कितना तेज धार है, यहाँ पैर रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों काफ़ी प्रभावित हैं, इसलिए प्रभावित है कि गोपालगंज में पुनः बाढ़ आ चुका है। जो वाल्मीकि बैराज से पानी छोड़ा गया था वो पानी का कितना पहर था, कहर है, आप देख सकते हैं। ये भाई साहब है, आप देख सकते हैं कितने पानी में। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम कोहनी से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं दियर है। क्या लिए हुए हैं? ये सामान है, खाने वाले। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत। कब से पानी है? पानी तो कल से ही है। अब तो रास्ता है आप लोग का, ये बंद हो जाएगा? ये तो बंद हो जाएगा। फिर क्या ना वो आएगा, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि ये रास्ता बंद हो जाएगा, उसके बाद नाव की जो व्यवस्था की गई है, हालांकि नाव की व्यवस्था की गई है, हर जगह सरकार को खींचना हम लोग की काम नहीं है। जो काम सरकार अच्छा करता है उसका दिखाना भी मेरा काम है। और ये देख सकते हैं आप कितना पानी है, और यहाँ पैर भी रोकना मुश्किल हो जा रहा है। काफ़ी तेज ये पड़ाव में आ चुका है, और मैं अभी आप देख सकते हैं कितना तेज़ धार पे हूँ। पैर, रोड भी अब टूट रहा है, रोड भी क्रैक हो रहा है। ये गेट है आप देख सकते हैं, आप मेरा पैंट भी देख सकते हैं, मेरा पैंट जो है कितना गीला हो चुका है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो इसका गेट है आधा भीग चुका है, ये पानी मतलब गांव में प्रवेश कर चुका है। और ये लोग यहाँ कितने प्रभावित हैं, ये सारी चीज़ों पे बात होगी। ये लोग कैसे रहते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, क्या सरकार की तरफ से क्या मदद की गई है, ये सारी चीज़ें मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा। यहाँ लोग भी है, और ये गांव है, और ये पूरा गांव डूब चुका है। बहुत लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, इन सारे लोगों से मैं बात करूँगा। हालाँकि आप देख सकते हैं अंकल है मेरे पास, इनका मेरा ये पर्स लिए हुए हैं, इसलिए लिए हुए हैं कि मेरा जो पीछे वाला पॉकेट है वो भींच गया, इसलिए मैंने इनको पर्स दिया है। चाचा, सबसे पहले आपका नाम? मुस्लिम मियाँ। ये मुस्लिम मियाँ जी हैं, क्या बहुत दिक्कत हो रही है, कब से पानी है आप लोग? आज तो पानी तीन रोज से है। तीन दिन में आप लोग घर में घुस गए थे, लेकिन इतना पानी आज धीरे धीरे बढ़ा है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ के घुस गया है, और वहाँ से कटाव चालू हो गया है। कोई इसका देख रेख का अति नहीं है, कोई देख रेख सरकार की तरफ से, वो कमिटी किचन जिसको बोलते हैं, खाना कुछ नहीं। चलिए मैं बात करता हूँ, कुछ महिलाएं भी हैं, और ये लोग छत पे रख के खाना बना रही हैं, और पूरा डूबा हुआ ये गांव। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि आप, ये जो महिलाएं हैं छत पे रख के खाना बना रही हैं, इनसे भी बात होगी थोड़ी बहुत। तो आप देख सकते हैं यहाँ गैस है, बहुत दिक्कत है, मुझे कहीं शरण नहीं है। एक पीस पर जुड़ते हैं, तन खाते हैं, पीते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपका घर भी बहुत खतरे में है, क्योंकि यहाँ जैसे कि बता रहे हैं आप लोग, यहाँ तेज धार बह रहा है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि आप दिखाएं, यहाँ तेज धार बह रहा है, और इस धार में घर गिरने का भी संभावना है, क्योंकि ये पूरी पूंजीपति लगा है ये लोग अपना घर बनवाने में। तो बहुत कोई जगह हम इनके नहीं है, तो हम सुन क्या करेगा। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिला हम उनके लिए, ना कुछ ना। जब पानी आता है तब हम मुझके गजन। आप लोग ये घर छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? कहाँ जाऊँगा, मुझको जगह नहीं है, तो जगह कोई नहीं है, तो हम कहाँ जाऊँगा। कोई कोई के घर में जाकर शरण लिया, अभी इसी के लोग पतो जाकर दूसरी के घर में रहते हैं, एमए के पलुआर दूसरी के घर पर रहते हैं, तो सारा लोग कैसे जाऊँगा। मैं ये घर है, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, ये इन लोग का बेड है जो पानी में तैर रहा है। आप देख सकते हैं ये पानी में संपूर्ण रूप से तैर रहा है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, इन लोग का ये सामग्री था, ये घर में ये लोग सामान रखा हुआ है, ये बक्सा, ये भी पानी में तैर रहा है। इसके अलावा मैं कैमरामैन से और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो है ये घर के अंदर इतना पानी है। इसके अलावा ये इन लोग का ये अलमारी है जो कि सेकेंड तक पानी है। और इसके अलावा मैं दिखा दूँ, ये घर के बगल में इनका, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आके दिखाए, इनके घर के पास से एकदम तेज़ धार चल रहा है। ये घर बहुत ही रिक्सी हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। इस सिचुएशन में हम लोग रिक्स लेके इस पानी में के अंदर है, और इस घर के अंदर है, जिस घर के अंदर पानी है। और ये देख सकते हैं बिजली है, सरकार की तरफ से बिजली जो की गई है, बिजली है, अभी बिजली अवेलेबल है, और इस घर में इतना पानी है फिर भी इस घर में बिजली है। तो ये 24 घंटा बिजली वाला काम है, ये सरकार का अच्छा काम है, लेकिन पानी में बिजली काट देना चाहिए सरकार को। और ये लोग यहाँ से अपनी जान बचा के निकल रहे हैं, जान बचा के, क्यों घर के अंदर पूरा पानी प्रवेश कर, पानी अंदर है, पूरा बाजार में पानी है, घर के अंदर पानी है। तो अभी सब आपके परिवार वाले सब निकल गए? सब बाहर,
गरीब होना पाप है क्या? इस गोपालगंज में जन्म लेना पाप है? अगर पाप है तो ये पाप ये लोग किए हैं, इसलिए पाप किए हैं कि ये उन नेताओं को वोट देते हैं जो अपने माल पॉकेट बनाने के चक्कर में रहते हैं, और हर साल ये जो दुधारू गाय बन चुकी है बाढ़, उसको हर साल बुलाने की कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं बांध को PCC कराया जा रहा है? क्यों बांध को पक्कीकरण नहीं कराया जा रहा है जो हर साल पानी आता है? चलिए इसके आगे मैं बात करूंगा। एक मेरे बगल में एक दादी है। दादी पानी कब से आई भाई? देखो अब 5 बेर आई भाई, तो 5वां बेर। 5 बेर आ गई? हाँ बहुत दिक्कत हुई तो। हाँ आपको तो ढेर आई था, कम कम आई। देखिए ये दूसरा दिन है, जैसे कि ये बता रही हैं कि अभी बहुत ज्यादा पानी आया है और पानी और बढ़ने की संभावना है। जिस तरह मैं दिखाया था पिछले जो घर में, उसके घर के अंदर कितना प्रवेश है, और कुछ लोग मजबूर है, घर छोड़ने पर मजबूर है। चलिए मैं फिर एक दादी मेरे साथ जुड़ चुकी है, मैं इनसे बात करूं। बहुत पानी में परेशान बानी से हमनी के। पानी में तो किसिम किसिम के जानवर जानवर बारे से, कीड़ा फतिंगा हमनी के घर में चढ़ जाता रे, सांप गुजर। खाना वाना कहाँ बनेगा? खाना कहाँ बनता, चिड़ा खा कर रहता नी सह। सरकार के तरफ से कोनो मदद? कोनो मदद नहीं खे मिल तो कहो तालो जे हमरे पानी मोदी के नहीं खे ना, तो पब्लिक के नाम हुई तने तना मोदी के नहीं खे ना, तो पब्लिक के तना नाम हुई पब्लिक खाले घर में पानी ढुइ जाता लो, कोन हमरे कोनो सरन नहीं खे रहे। मुसमात बनी ना हमारे बेटा बना मालिक बा कम निहार, देखी जे पलानी में गिर ढू कल तो पलानी गिर जाई, अब हम रहे कहा। यह तो बात है, बकरी वकरी सब लेके कहीं जाए हम बारिश हो ने के कहीं रोड पर रखे हम के पूछो आई तो कहिए हमरा उस रो में रह जाए, घर में ढूगल तो कहां रखे। यह तो बात है, ये भइले नहीं करेंगे बेटा बेटी को, मतलब कोई नहीं है। ये बिल्कुल यूं समझ लीजिए, मैं ऐसा वर्ड है यूज नहीं कर सकता, ये बेसहारा है। और इन बेसहारा आप देख सकते हैं, ये गोपालगंज जिला है जहां पानी आ चुका है, तेज धार है,